मूल्यांकन भी होगा कि नहीं होगा? यस, जो भी काम हो रहे हैं मेला प्राधिकरण ने थर्ड पार्टी ऑडिटर्स लगा रखे हैं क्वालिटी चेक के लिए, उनकी यहाँ पे लेबोरेटरीज बनी हुई हैं। जो सड़कें बन रही हैं वो जैसे ही फिनिश होंगी उनकी राइडिंग क्वालिटी भी चेक की जाएगी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो जितने भी काम हो रहे हैं सब में क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ इंश्योर किया जाए, इसकी व्यवस्था बनाई गई है। और इसमें कोई शिकायत आएगी तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी और उसका निराकरण भी किया जाएगा। इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे और अभी उन पे काम चल रहा है। जैसे गंगा के जल की स्थिति क्या रहेगी? आज की तारीख में गंगा में जो जल है वो लगभग 18,000 क्यूसेक है, जो कि ज़्यादा है। और ये इसलिए क्योंकि सितंबर माह में इस बार 3-4 बारिश ऐसी हुई कि अभी तक सामान्यतः गंगा में लगभग 8,000-9,000 क्यूसेक के आसपास पानी रहता है। तो अभी 16-17,000 क्यूसेक पानी होने की वजह से काम में दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुछ ड्रेजर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जो इलाके बाहर हमें निकालने हैं कुंभ नगरी को बसाने के लिए उस पर प्रशासन काम कर रहा है। और जल अभी जो सामान्यतः कुंभ के दौरान रहता है उससे 2 गुना ज़्यादा है। तो उसकी एक वजह यह है कि अभी नहरें बंद हैं और ये 15 तारीख से नहरें चालू होंगी, तो पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी। साथ ही यह भी निर्देश स्पष्ट किए गए हैं जल निगम को और सिंचाई विभाग को कि कोई भी ड्रेन या कोई भी नाला अनट्रीटेड तरीके से नदी तक नहीं पहुंचेगा। और ये व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ सुनिश्चित की जानी है। जो नाले अनटैप्ड हैं उनको इन सीटू ट्रीटमेंट के लिए बायो रेमेडिएशन या जियोबैक टेक्नोलॉजी या जो भी रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ट्रीट करने के लिए उनके टेंडर की कार्रवाई की जा चुकी है। और ये सारी चीज़ें आपको 30 दिसंबर तक अपनी जगह पर स्थापित मिलेंगी। 10 STPs यहाँ पे बनी हुई हैं प्रयागराज में। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी STP कंप्लायंट हों, यानी ट्रीटमेंट प्रॉपरली करें और जो भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज करें वो जो मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC का जो गाइडलाइन है और जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसके तहत वो मीट करें। यानी जो कुंभ श्रद्धालु आएंगे उन्हें शुद्ध गंगा जल मिलेगा पर्याप्त? बिल्कुल पर्याप्त, शुद्ध, स्वच्छ, सब कुछ बहुत ही अच्छा, उनको बहुत अच्छा अनुभव हो। इसी दिशा में काम कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन। NGT ने जो अभी एक रिपोर्ट दी है तो उसको देखते हुए, NGT की रिपोर्ट एक CPCB को उन्होंने एक स्टडी ऑर्डर किया था उसके आधार पे CPCB ने एक रिपोर्ट बनाया है। और CPCB की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 10 में 7 STP कंप्लायंट है MOEFCC के नॉर्म से और NGT के नॉर्म से नहीं है कंप्लायंट। तो मैं आपको वो डिफरेंस समझाना चाहूँगा। MOEFCC ने जो हिंदुस्तान के लिए नोटिफिकेशन बना रखा है उसमें STP से जो ट्रीटेड वाटर है उसका BOD 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। तो ये सारे STPs कंप्लायंट हैं उसके। NGT ने बीच में एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर ये किया था कि 30 नहीं बल्कि 10 होने चाहिए बड़े शहरों के लिए STP के लिए, लेकिन अभी उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने उसको फॉलो करते हुए कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। तो जो भी फंडिंग हो रही है प्रोजेक्ट की वो उसी पे हो रही है कि BOD 30 से कम होना चाहिए। तो जाहिर है जिस चीज़ के लिए आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया है आउटपुट उसी के हिसाब से मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, कितने लोगों के महाकुंभ में आने के आसार या तैयारियां? देखिए पिछले कुंभ में बल्कि 24 करोड़ लोग आए थे ये असेसमेंट किया गया था और इस बार उससे कहीं ज़्यादा आएंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयागराज के आसपास के ज़िले हैं जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, महाविंध्यवासिनी का कॉरिडोर मिर्ज़ापुर में विंध्याचल में डेवलप हुआ है, अयोध्या के बारे में आप सब अवगत हैं, तो इन चीज़ों की वजह से इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसीलिए प्रयागराज में जो फोकस है उसके साथ साथ आसपास के जो ये महत्वपूर्ण जिले हैं वहाँ के भी प्रशासन को बताया गया है कि वो भी तैयारी में रहें कि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हुए या यहाँ से लौटते हुए उन स्थलों पर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। आज समीक्षा बैठक आपने की, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6,000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं
अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहाँ पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25-30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा तो पिछले कुंभ के तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। सब कुछ प्रोजेक्ट अभी पीछे हैं, काफी कब तक पूरे होंगे, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या नया निर्देश दिया है आज आपने? नया निर्देश ये है कि जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। एक दो काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही ये है कि पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पे अखाड़े हैं और जहाँ पे आप भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या जहाँ भी फूड वेंडिंग कोर्ट है वहाँ पर दोना पत्तल या बगास से बने हुए कंपोस्टेबल या डिकम्पोजेबल जो मटेरियल होते हैं वही इस्तेमाल हो, ये एक नई शुरुआत और नई पहल की जा रही है। अच्छा, विदेश से कितने लोग आ रहे हैं, क्या इनविटेशन आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी उनको आमंत्रित करने के लिए, कुंभ के कार्यों को देखने के लिए और उनके लोकार्पण के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से होनी है और उसके बाद फिर एम्बेसी के लोगों को भी इसके बारे में इतला दी जानी है। कई देश में लोगों को लिखकर सूचित किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग भी एम्बेसी लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ होगी उसके बाद प्लान की जा रही है। तो सभी देशों से लोगों को इन्वाइट करने का काम शासन और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। पूरा वहाँ पुख्ता व्यवस्था है और एक सुरक्षा योजना के तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। तो हमारे जो जो श्राइन है और उसका येलो जोन है पूरे अयोध्या सिटी में, हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और जब भी इस तरह के कोई भी थ्रेट्स आती हैं हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। एक बड़ी चुनौती होगी तो किस तरह से महाकुंभ में सुरक्षा रहेगी, कितने सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे और किस तरह से कौन कौन सी विशेष व्यवस्थाएं इस बार की जा रही हैं? आप सभी अवगत हैं कि जो महाकुंभ है वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा मानव समागम होता है और उस दौरान इस वर्ष के मतलब 2025 के कुंभ में हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी और फिर कुंभ में व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है उसका समावेश हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जा रहे हैं उसमें हम लोग करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक ऐसे लोगों की का डेटा हम अपने कंट्रोल रूम में रखेंगे और सभी तरह की जो असामाजिक तत्व है उस पर नज़र रखा जाएगा। इस दौरान जो पुलिस बल नियुक्त होगा उसका स्वभाव और उसकी व्यवहार के बारे में ट्रेनिंग हमारे पिछले दिनों से लगातार चल रही है। पार्किंग के स्थानों का चयन हो चुका है। इस वर्ष
शासन ने लगभग 180 करोड़ रुपए अलग से फायर सेफ्टी, कम्युनिकेशन तथा आपदा से निपटने के लिए दिए हैं और उसके लिए भी खरीदारी की तैयारियां चल रही हैं। हमारी एंटी एटीएस की टीम भी यहां लगातार रहेगी और हम लोग आकाश से, पृथ्वी से तथा सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से उस समय महत्वपूर्ण जो स्नान के दिन होंगे हम लगातार निगरानी रखेंगे और जो भी दर्शनार्थी या श्रद्धालु बाहर से आएंगे, बाहर के प्रदेशों से आएंगे, उसके लिए शासन द्वारा इस बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सभी चीज़ें ऐप पे अवेलेबल होंगी और भाषणी जो ऐप है जिसमें अगर व्यक्ति अपना बात कम्युनिकेट यहाँ से करना चाहे और डिफरेंट भाषा का है तो उसमें अपने आप चीज़ें ट्रांसलेट हो जाती हैं, उसका अनुवाद हो जाता है, तो ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हों उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और जो शेष तैयारियां थी उसके बारे में मुख्य सचिव महोदय ने आपको विस्तृत में बताया है और रेल, रोड तथा वायुयान मार्ग से जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे सबके यहाँ रहने की, उनके सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और हम लोग दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल कुंभ मनाने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्प। सर, एक सवाल आयोजन है, थ्रेट इनपुट अगर कोई होता है तो उसको किस तरह से निपटेंगे? दुष्प्रचार, हाँ, ऐसे जो दुष्प्रचार के जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं उसके लिए हम लोग प्रतिदिन हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं हम लोगों को सजग कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर भी हम लोगों ने संपर्क किया है जो स्वेच्छा से कुंभ के दौरान ऐसी चीज़ों को प्रचारित प्रसारित करेंगे और हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आधे घंटे के अंदर हम लगभग 10 लाख लोगों को कोई भी रूमर को काउंटर रूमर्स के रूप में हम मतलब कि काउंटर जो फैक्चुअल पोजीशन होगी उससे अवगत करा सकेंगे। साइबर अटैक, साइबर के बारे में आपको मुख्य सचिव महोदय ने पहले ही बताया है कि हमारी जो ICCC होगी वो पूरी तरीके से लैस होगी जो कि साइबर अटैक को डील करेगी और इसके लिए जो भी संस्थाएं प्रदेश की हैं और राष्ट्रीय स्तर की हैं उसमें उसके साथ समन्वय बना के आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।